आलू का पराठा नहीं खाया तो क्या खाया, लेकिन इसको खाने से पहले बनाना पड़ता है। तो बनाने के लिए हमें आलू उबालने हैं और उनको सबको छील के मैश कर लेना है। एक किसी मैशर से कर सकते हो या फिर आप हाथ से इजीली प्रोसेस कर सकते हो। पोटैटो मैश करने के बाद सिंपली हमें अब मसाला ऐड करना है, लेकिन ध्यान रहे कि आलू बिल्कुल ठंडे हो जाएं, रूम टेम्परेचर में आ जाएं। और उसके बाद मसाले में हम डालेंगे नमक, हमारा पिसा हुआ धनिया, लाल मिर्च, और इसके बाद डाल देंगे अमचूर, गरम मसाला, और हाँ हींग डालना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि पराठा, कोई भी पराठा खाने से आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो सकती है, तो गैस पेट में ना बने, इस वजह से हमें हींग ज़रूर डालनी है। इसके साथ ही आप कुछ लोग अजवाइन डाल सकते हैं, मैंने यहाँ पर स्किप करी है। अनारदाना ऑप्शनल है डालना, आप डालें या ना डालें, लेकिन डेफिनेटली आप डालेंगे तो आपको अपने आप टेस्ट में बिल्कुल एक अलग ही फ्लेवर नज़र आएगा। और उसके बाद डाल देनी है थोड़ी सी अदरक, हरी मिर्ची और हरा धनिया। बस इनको मिलाना है हमें अच्छे तरीके से, और ताकि मसाला सब तरफ से, हर तरफ से मिक्स हो जाए और बन जाएगी फिर हमारी पिट्ठी। अब पराठा बनाने के लिए सिंपली हमें बेलनी है एक रोटी, क्योंकि यहाँ पे हम पराठा बनाएंगे ट्रायंगल, समोसे की शेप देंगे। तो उसके लिए हमें एक रोटी बेल लेनी है लोहे की, और बस उसमें अपनी पिट्ठी रखनी है, और ट्रायंगल शेप में इस तरीके से जैसे मैं फोल्ड कर रही हूँ हमें अपनी लोई फोल्ड कर लेनी है। इसको धीरे धीरे हम बेलना शुरू करेंगे, और धीरे धीरे सेंटर से कॉर्नर की साइड पे आएंगे, और शेप बिगड़ने नहीं पाए। अगर शेप थोड़ी सी इधर उधर हो जाएगी तो हम हाथ से इसको बैलेंस कर लेंगे, और बस बेलने के बाद तवे पे गर्मा गर्म सेकेंगे, और उस पे लगाएंगे घी, रिफाइंड तेल, मक्खन, जो भी आप चाहे, जिसे भी बनाना चाहे, या फिर दिल्ली में मिलते हैं मूल चंद के पराठे, तो उस तरीके से आप नॉर्मल रोटी की तरह तवे पे सेकिए, और बाद में मक्खन लगा के उसको सर्व कीजिए, गार्निश कीजिए। मैंने यहाँ पर पराठे की ट्रायंगल शेप दी है, आप चाहे तो नॉर्मल जैसे रेगुलर पराठे बनाते हैं गोल स्टफिंग वाले वैसे भी बना सकते हैं। बस शेप चेंज करने का यही होता है कि एक नई चीज़ देखते हैं, नई शेप देखते हैं, तो बच्चों के अंदर एक अलग एक्साइटमेंट आ जाती है, एक हंगर शुरू हो जाती है, एक क्रेविंग हो जाती है, और बस उसी क्रेविंग को भरने के लिए, बच्चों की डिमांड्स को फुलफ़िल करने के लिए हमने यहाँ पर थोड़ा सा चेंज किया है। शेप चेंज करके सच में मज़ा आ गया।